गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. फाउंडेशन के इकरा एजुकेशन के अध्यक्ष शिक्षण सम्राट श्री कौलर साहब, इनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया जा रहा है. और हमारे प्रमुख मेहमान हमारे शिव साहब एमआरडी सीपीआई और हमारे डॉक्टर नितिन सर जलगांव न्यू बड़ा हॉस्पिटल, हमारे इमरान सर जलगांव अपने तामापुर पे हमेशा हमारे को कंटिन्यू सहकार्य करते. बाकी के हमारे मेहमान सोनू भाई, आशीष चावापू, हमारे हीना मैडम जो न्यू वाड़ा हॉस्पिटल में जो काम होते हैं और गरीबों को हमेशा सहायता भी दी करते हैं हमारे न्यू वाड़ा हॉस्पिटल के, और हमारे नदीम सर, हमारे इमरान सर. तो तमाम इस मेहमान आए हुए मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आज का कार्यक्रम लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने पानी की बॉटल ली और वही ली. आज आप लोग जो देख रहे हैं कि आज ये इसके जो लोग बटे हैं तो यहाँ सिर्फ शिक्षण की वजह से बटे हैं. आज अपने बच्चों को आज पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आपके बच्चे भी इसी जगह पे पोजीशन पे आएंगे. तो अपने बच्चों के लिए शिक्षण के लिए ज्यादा ध्यान दे. हमारा कार्यक्रम लेने का मकसद ये नहीं है जिसका वही बांट देना, पानी की बोतल बांट देना. आज हमारे शिक्षा है, आज पुलिस ऑफिसर है, हमारे बजट प्रधान साहब है, आज वकील है, आज हमारे इमरान सर डॉक्टर है, हमारे हीना मैडम है डॉक्टर है, हमारे नसीम सर डॉक्टर है. आज एजुकेशन क्या चीज है तो हम ये झोपड़पट्टी जो कार्यक्रम लिए हमने तो आप लोगों को उचित कार्यक्रम करके हमने ये कार्यक्रम लिए. अब पहले जो हमारे डॉक्टर सुनवाजे साहब भी आए थे, उन्होंने भी ये मार्गदर्शन किया जो क्या मैं आज नगर सेवक है तो आज पढ़े के लिए मैं कितना आगे हूँ. तो इसके लिए बच्चों को आज जागरूकता पैदा करना हमारा काम है, हमारे घर पे ध्यान देना काम है. हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, एजुकेशन से आगे बच्चा बढ़ सकता है और उसके माँ बाप का नाम रोशन पूरी दुनिया में कर सकता है. एजुकेशन की ताकत है. आज जो पूरे जिले के शिक्षण साहब है, एजुकेशन की ताकत है. आज एक इकरा नहीं, आज दो इकरा नहीं, चार चार इकरा को चलाते हो और उसके संस्थापक अध्यक्ष है. आज एजुकेशन की ताकत है. हमारे मुख्तार सलाम साहब हरपंच फाउंडेशन के अध्यक्ष है, चेयरमैन है. आज एजुकेशन की पूरी ताकत है. जो आज हमारे जो मंच पे बैठे लोग, ये एजुकेशन की ताकत है. तो एजुकेशन की ताकत को आज आप लोगों को समझना पड़ेगी और अपने बच्चे के आने वाले मुस्तकबिल के लिए उनकी पढ़ाई के लिए ध्यान देना पड़ेगा. आज झोपड़पट्टी कह रहे सलम ही रहे हम मानते हैं, पर सलम एरिया में भी ये संदेश देना जरूरी है. आज इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये हमारे छोटे मोटे कार्यक्रम में आए और आप लोगों को सीख देके जाएंगे कुछ कि एजुकेशन से क्या क्या होता है, एजुकेशन की क्या क्या ताकत होती है. एजुकेशन ऐसी चीज है आपके बच्चों का मान कभी किधर भी झुका नहीं सकता और आपका मान भी कभी झुका नहीं सकता. एजुकेशन ये ताकत है, आपके बच्चों का भी झुका नहीं झुका सकता. आज एजुकेशन के दौर आने वाला है तो एजुकेशन के ताल्लुक से आज हमने कार्यक्रम लिया सचिव मैडम का और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हरीश कलर साहब. मुबारकबाद आपके बच्चों को एक बॉटल पीने के लिए पानी जो आप घर से लेंगे और एक वही दे रहे, ये तो बहुत बड़ा तोहफा नहीं है लेकिन ये कीमती बहुत है. इसलिए कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे और अगर उनके हाथ में ये कलम और कॉपी रही तो कल जिस तरीके से शेख साहब यहाँ पर इंस्पेक्टर बन के बैठे हैं तो यही बच्चे भी यहाँ पर डॉक्टर इंस्पेक्टर बन के इंशाल्लाह जरूर बैठे. हमारे यहाँ पर अल्पेन फाउंडेशन में गेदराल मिल के बच्चे ने उसकी तकरीर में कहा था कि मैं हमेशा देखता हूँ दसवीं का रिजल्ट का प्रोग्राम था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा. बोले मेरा बाप हम्माल है लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम्माल का बेटा हम्माल नहीं वो डॉक्टर बनेगा और आज वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है. अल्लाह का एहसान है. माओ से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको अमानत दी है, आप इनको अच्छी परवरिश कीजिए. खुदा ना खास्ता आपके घर में एक टाइम का चूल्हा नहीं जरा चलेगा लेकिन बच्चों को पढ़ाइए
ये जरूरी नहीं है कि कलेक्टर डीएसपी डॉक्टर बनने के लिए कोई कोठिया और महल में रहना जरूरी है। तालीम बच्चों को दीजिए, यही बच्चे जिस तरीके से तामापुर के बच्चे यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर बन के निकले हैं, आपका बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि आप उन पर तवज्जो दें। और करना कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ने को बिठाना है, स्कूल में गए के नहीं, गया के नहीं पूछना है, और आने के बाद में उनको थोड़ा होमवर्क करके बिठाना है। बाकी रहा सवाल आपके बच्चों को अलग तालीम के लिए कोई अगर खर्च आता है तो हमारे साथी और हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ में है, कोई भी तरह की आपको मां की तकलीफ नहीं आने देंगे। आज ही मैं देख रहा हूँ कि ये 100 बोतल और 100 कॉपियां एकदम तामापुर बोले तो यहाँ तो हजारों की बस्ती है, ये चट्टी भी पूर्णी रहे। तो मैंने इनसे कहा कि अगर और 100 बच्चे आएंगे तो उनको ये बॉटल और ये मेरी तरफ से लाके बांट देना। लेकिन कोई बच्चे की शिकायत नहीं आई और कोई माँ अपने बच्चे को लेकर आकर स्माइल के उनके साथियों को ये ना बोले कि तुमने सबको बांट दिए और मेरे पूरे को दिए नहीं। झगड़ा नहीं करना, जो सबर से काम लेगा उसको भी मिलेगा। जिनको दिया जा रहा है वो लेके आराम से जाएंगे और जिनको नहीं मिला वो इनके पास काम कराए। 100, 50, 150 जितने भी होंगे ऐसे तमाम बच्चों को मैं पैसे उनको दूंगा, उन्हें लाके आपको दे। आपको बहुत अल्लाह ने आपको बेटा बच्ची दिया, अल्लाह की अमानत है, उनकी हिफाजत कीजिए। और मैं शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि ये बच्चे आपके जैसे कैसे ऑफिसर बन सकते हैं। क्या आपने गोटिया खेलने में वक्त पास किया? क्या आपने गिल्ली डंडा खेलने में वक्त पास किया? क्या आपने घूमने फिरने वक्त पास किया? आप कैसे पहुंचे यहाँ तक? इन बच्चों को माँ को बताइए ताकि माए भी अपने बच्चों को आपकी तरह एक ऑफिसर के रूप में ले। आईएएस आईपीएस अधिकारी बन रहे हैं, बंगले के लिए रहते हैं, आम घरों में से आके बन रहे हैं, पटना
और मुस्लिम समाज ने पढ़ना इसके लिए जब तक ये समाज पढ़ेगा नहीं तब तक ये बराबरी में आएंगे नहीं। बहुत सा बदल मेरे ख्याल से सुरेश दादा की वजह से जलगांव शहर में जब्बार मलिक साहब हो या करीम सालार साहब हो, इन्होंने एजुकेशन का जो मुस्लिम समाज के उसके परिणाम है कि आज मुस्लिम समाज एजुकेशन में बहुत और अगर हम उसमें गए उस्मानिया पार्क हो या माशरूपति का एरिया एजुकेशन बहुत ज़्यादा और अच्छे तरह से पढ़ा है। इसलिए आपके जो बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखेंगे तो ये समाज के साथ रहेंगे और समाज के साथ रहेंगे तो ये देश की उन्नति होगी आपकी उन्नति होगी। सबसे पहले एजुकेशन ही जरूरी है ये बात आप अपने दिमाग में रख लो। रूम में मैं सबसे पहला एजुकेटेड आदमी हूँ और आपके सामने हूँ। क्या है कि एजुकेशन का जो फर्क रहता वो बहुत अलग रहता एजुकेशन अलग रहता जो सामने वाले का देखने का नतीजा है वो भी अलग रहता। इसलिए कुछ भी हो जाए आप ये बात दिमाग में पक्की डाल लो कि कुछ भी हो जाए हमारा बच्चा पढ़ेगा शिक्षा में बड़ा होगा। तो ये बात दिमाग में रख के अपने बच्चों को पढ़ाओ यही ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको सलाह दूंगा। और जो पानी भरा था उनका बहुने तलाटी को बोल के पूरे पंचनामे की लाइन में बहुने लगा ले उगड़पुरे में जिनके भी घरों में पानी भरे था ये बहु के पंचनामे के बहु का क्रेडिट है। ठीक है लोग आ रहे हैं फोटो सेशन करके आ रहे कोई मदद की तौर नहीं कर काम नहीं कर रहा है बहु ने वो काम को भी अंजाम दे ले सुनील बहु ने। बहुत जो लोग है मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दे रहे पर मेमोरेंडम दे रहे काम नहीं चलेगा। सुनील बहु जो पंचनामा तलाटी को लेकर कर रहे तो वही मध्यस्थी पैसे सबको मिल जाए बहुत की मेहरबानी है ये बात सब ध्यान में रखो।